चले आज हम पढ़ते हैं फिजिक्स का पहला नंबर पहला चैप्टर मोशन, जो साइंस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 है और वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 है। मोशन है क्या चीज, ठीक है, व्हाट अबाउट द मोशन, आप मोशन के बारे में क्या जानते हैं और मोशन क्या है, व्हाट इज द मोशन, ठीक है। मोशन अगर डिस्क्राइब करें तो आपकी लाइफ में मूवमेंट जो होता है, कोई भी बॉडी मूवमेंट करती है अपने रेस्ट बैठे बैठे पोजीशन पे, ठीक है, या फिर वो मूवमेंट करते हैं कोई वॉकिंग पोजीशन करके, जैसे आप लोग घर से यहाँ तक आए, ठीक है, तो वो क्या हुआ आपका मोशन हुआ, ठीक है। जैसे कोई एनिमल्स है वो दौड़ता हुआ चला जाता है तो उसका मोशन हुआ, ठीक है। बाइक्स या आपकी जो व्हीकल्स है, ठीक है, वो एक पोजीशन से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, ठीक है। तो मोशन क्या है, जब कोई एक बॉडी, ठीक है, अपने ही पोजीशन पे मूवमेंट करे या प्लेस को चेंज करे, प्लेसेस को चेंज करे टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, ठीक है। तो मोशन के बारे में अगर देखा जाए, द एवरी बॉडी एवरी डे लाइफ एंड बॉडी, ठीक है, ट्रेवल वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ठीक है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में अगर कोई बॉडी चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, या तो वाइब्रेट होना, अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट होना, जैसे आप बैठे हुए हैं आपकी बॉडी तो हिल रही है, ठीक है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, मोशन की कैटेगरी में रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप रेस्ट पे हैं, आप रेस्ट पे हैं लेकिन आपके बॉडी के पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी है, वो सारे के सारे क्या मूवमेंट कर रहा है, वो लेग से लेके हेड तक आते हैं और हेड से लेग्स तक जाते हैं, उसका तो मूवमेंट चलता ही रहता है। लेकिन अगर देखा जाए सोचे आपकी बॉडी मूवमेंट कर रही है नहीं कर रही, तो अगर आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठे हुए हैं तो आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है, लेकिन अगर आप हिल डुल रहे हैं तो आपकी बॉडी मूवमेंट कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे जो लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज करता है, लोकेशन को चेंज करता है, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। क्लियर ही बात, ठीक है। मोशन किसे कहते हैं, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ट्रांसफर्ड देयर पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, then we can say that this object या this body is have motion, ठीक है, तब उसके पास हम कह सकते हैं वो है, उसके पास motion है, ठीक है। motion के बारे में आता है कि आपका ये position क्या होता है, position क्या होता है, तो position के बारे में अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, किसी भी पॉइंट के रेफरेंस से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर बता दें, ठीक है, आप उसकी लोकेशन बता दें, किसी भी पॉइंट के रेफरेंस से उसकी लोकेशन बता दें, तो हम ये कहते हैं उसकी पोजीशन है। जैसे हम लोग यहाँ पास क्लासरूम में बैठे हैं, अगर क्लासरूम में बैठे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस पोजीशन से कुएं पे बैठा हुआ आदमी इतनी डिस्टेंस पर है, 100 मीटर डिस्टेंस पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे अकॉर्डिंग उसकी क्या हो गई, लोकेशन यानी पोजीशन पता चल गई कि हमसे वो कितनी डिस्टेंस पर बैठा हुआ है, 100 मीटर डिस्टेंस पर बैठा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं पोजीशन कहते हैं, ठीक है। अगर हम कहें यहां से 100 मीटर या 200 मीटर वो मार्केट की तरफ चला गया, ठीक है, 200 मीटर मार्केट के पास बैठा हुआ है, ठीक है, तो हमारी अकॉर्डिंग ये रेफरेंस पॉइंट हो गया और इसके अकॉर्डिंग हमने बोला कि उसकी डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर पे है, ठीक है, तो वो उसकी लोकेशन हो गई, और वो लोकेशन क्या कहलाएगी, इसके अकॉर्डिंग, इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन कहलाएगी। तो पोजीशन क्या है, लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट, रेफरेंस
रेफरेंस पॉइंट जहां से आप मेजर करना स्टार्ट कर देते हैं वो आपका रेफरेंस पॉइंट रह जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, हम लोकेशन, उस लोकेशन को क्या कहते हैं, पोजीशन कहते हैं, ठीक है। नोट डाउन इट। अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास ओनली नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? केवल केवल नंबर्स होते हैं। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके पास नंबर्स होते हैं ओनली। क्या कहेंगे? 5 मीटर, 20 केजी, 50 केजी, ठीक है, 250 वेट, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या आपके पास स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। 20 केजी, 50 केजी, 100 मीटर, 200 मीटर, ठीक है, ये सब क्या नंबर से तो है। इसमें डायरेक्शन कहीं बताया गया क्या कि 20 मीटर आप इधर गए, 50 केजी आपका डाउनवर्ड में है या अपवर्ड में, इसमें कहीं बताया गया क्या कि आपका डायरेक्शन है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास ओनली नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, समझे बात। और वो क्वांटिटी जिनके पास नंबर्स के साथ साथ में डायरेक्शंस होती हैं उनको कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। इनके पास नंबर के साथ में क्या हो, डायरेक्शन हो। डायरेक्शन का मतलब यह है कि आप बता दें कि आपकी 100 मीटर नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, बताएं कि आपकी 100 मीटर नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। नॉर्थ की तरफ इसका मतलब आपने बताया कि वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहां से आपको अगर जाना चाहते हैं तो यहीं से नॉर्थ की तरफ 100 मीटर जाएंगे तो आपको आके मिल जाएगा। और अगर आप डायरेक्शन ना बताया जाए और केवल बोल दिया जाए आके 100 मीटर यहां से है तो 100 मीटर किधर है, किधर जाओगे ढूंढने, उसको कहीं नहीं जाओगे। अब आपको पता है 100 मीटर उधर चले, उधर चले, चारों तरफ चल गए, लेकिन आके मिला किधर, केवल एक ही तरफ मिला, समझने की बात, ठीक है। तो जिस क्वांटिटी के पास नंबर्स होते हैं, यहाँ नंबर्स का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, याद रखिए, ठीक है। यहाँ नंबर्स का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, नंबर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास ओनली नंबर्स होते हैं हम स्केलर क्वांटिटी है। दो क्वांटिटी Only numbers, या तो कहें हम मैग्नीट्यूड और कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में अगर लें केजी, ठीक है, मीटर, ठीक है, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर है। उसके बाद आगे की तरफ जाए और केजी हो गया, मीटर हो गए, और आगे की तरफ जाए आपका डिस्टेंस, ठीक है, एक्सेट्रा। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, दोस क्वांटिटी विच हैव
नंबर या कहें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास नंबर्स और मैग्नीट्यूड, नंबर्स और मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो, डायरेक्शन हो, ठीक है, वो उस क्वांटिटी को बात करते हैं आप क्या वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और एग्जांपल में अगर कहें हम, एग्जांपल में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फोर्स, ये सारी की सारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और तो वीडियो में नोट डाउन, बात करते हैं अब डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, पोजीशन के बारे में बात हो गई, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है उसके बारे में बात हुई, फिर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है उसके बारे में बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस क्या होती है, व्हाट अबाउट यू नो द डिस्टेंस, ठीक है। सपोज आपके पास, यानी आप कार पास खड़े थे पॉइंट ए पे, ठीक है, आप चलना स्टार्ट करें इधर की तरफ गए, फिर कुछ सूझा आपने टर्न लिया कुछ इधर की तरफ, फिर आप टर्न लेते हैं, फिर ऐसे आते हैं और किसी के घर पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये मैं मान लेता हूं पॉइंट बी है, पॉइंट सी है और पॉइंट डी है, और ये किसी के घर पोजीशन है। तो अगर आप देखें कि आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, आपने कितनी दूरी चली, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंची टेप लाएंगे या सीधा लाएंगे, जो भी अगर मेजरमेंट लेके आएंगे उसको मेजर करने स्टार्ट करेंगे, ए के और बी के बीच में कितना डिस्टेंस था, कितनी दूरी लोकेशन की, बी और सी के बीच में कितना मेजरमेंट था इसका मेजरमेंट करेंगे, सी और डी के बीच में कितना मेजरमेंट था वो मेजर करेंगे, और उसके बाद डी और ई के बीच में कितना मेजरमेंट था वो मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद आप क्या कहेंगे कि आपने कितना डिस्टेंस चला, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, यही तो हुआ आपके बारे पूरा बता देंगे भाई मैं इतने किलोमीटर चल करके आया या इतना मीटर चल करके आया। तो आपने क्या कंसीडर किया, क्या बताया, आपने बताया एक्चुअल पाथ लेंथ जो आपने ट्रेवल की, जो आपने ट्रेवल की जैसे जिधर गए वो पूरा मेजरमेंट मीटर करके सीधा आपने नोट करके बता दिया कि हमने इतना चला, ठीक है। तो डिस्टेंस है क्या, डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ लेंथ यानी उसकी जितनी पाथ लेंथ जिधर से वो आया वो पूरा का पूरा मेजर करके क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। तो डिस्टेंस क्या है आपका, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इसका डिस्टेंस, जितनी भी आपका कवर्ड पाथ है, जितना भी आपका जाने का रास्ता है, वो पूरा का पूरा आपने क्या कर दिया, मीजर कर लिया, मीजर करने के बाद बता दिया आपने इतना किलोमीटर या इतना मीटर चला, तो वो क्या कहलाता है आपका, डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस है क्या, कौन सी क्वांटिटी है, एसआई यूनिट, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या, डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, आप इसको मीजर किस में करते हैं, किलोमीटर मीटर या सेंटीमीटर या एमएम में ऐसे मीटर करते हैं ना, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है डिस्टेंस की उसे हम क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एसआई यूनिट मीटर, कौन
सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर आपको इसको ब्रीफली आपको समझाना हो, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन द डिस्टेंस, ठीक है, एक्सप्लेन द डिस्टेंस, एक्सप्लेन द डिस्टेंस में आप क्या करेंगे, डिफिनेशन देते हैं, उसके बाद आप इसके बारे में थोड़ा बहुत समझाएंगे। ठीक है, सपोज कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट या एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है, एंड बी टू सी एंड सो ऑन, जैसे है उसी तरह ही चलता हुआ चला जाता है। देन एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ बॉडी कहें या ऑब्जेक्ट कहें, एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ बॉडी इज ए बी बी सी सी डी एंड डी, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा यह है डिस्टेंस। ठीक है, और द वीडियो नोट डाउन। चलिए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट है क्या, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जब बात करें तो सपोज आप जानते हैं स्टार्ट एट पॉइंट ए रीच पॉइंट बी थ्रो पॉइंट ओ, पासिंग थ्रो पॉइंट ओ, आप ए से जर्नी स्टार्ट करते हैं और ओ से होते हुए कहां जाते हैं, बी की तरफ जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियली एंड फाइनल पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट जहां से आप जर्नी स्टार्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट, और जहां पे जर्नी एंड होती है उसे हम कहते हैं फाइनल पॉइंट। तो जर्नी कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से, तो ये कहलाया आपका इनिशियल पॉइंट, और जर्नी यहां पास एंड होती है इसे हम कहते हैं फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट कैसा पाथ लेंथ, या तो आप ऐसे घूम के जाएंगे या तो आप सीधा मार लीजिए, आपकी देसी भाषा में जिसे कटवा कहा जाता है ना, कहते ना कटवा जाओ जल्दी पहुंच जाओगे, क्यों जल्दी पहुंच जाओगे, आपको डिस्टेंस कम, यानी आपको जो पाथ है वो कम ट्रेवल करना पड़ेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बी तक पहुंचना चाहता हूं तो मैं किधर जल्दी पहुंचना चाहता हूं, कौन सा रास्ता अपनाऊंगा, सीधा ही चल दूंगा, ओ की तरफ नहीं जाऊंगा ना ओ से बी की तरफ जाऊंगा, तो सीधा अगर चल दिया इनिशियल और फाइनल के बीच में ये सबसे छोटी डिस्टेंस हुई, यानी सबसे छोटा पाथ लेंथ हुआ, और इस छोटे पाथ लेंथ को ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको और इसको मिलाकर के अगर बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा,
डिस्टेंस कहलाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगर आप सीधे की बात करेंगे, ए टू बी बात करेंगे, यानी ए बी पाथलेंथ की बात करेंगे, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का कहलाएगा। लेकिन अगर ए से ओ, ओ से बी की बात करेंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा, क्योंकि ये एक्चुअल पाथलेंथ है। ठीक है, और इमेजिनरी या तो आपका है परफेक्ट पाथलेंथ कौन सी है? ये शॉर्टेस्ट पाथलेंथ कौन सी है? ये तो शॉर्टेस्ट पाथलेंथ आपका ए बी है, और एक्चुअल पाथलेंथ आपका ए ओ प्लस ओ बी है। तो एक्चुअल पाथ लेंथ को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को क्या कहते हैं? आपका डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ covered by an object is called displacement। अब देखिए, अगर आप इसकी क्वांटिटी की बात करेंगे तो ये कैसी क्वांटिटी है? आप यहां से शॉर्टेस्ट की बात करेंगे तो सीधा इधर करेंगे और बी तक पहुंचे, तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप कहीं मुड़ नहीं रहे हैं, आप एक सीधा चल रहे हैं, तो आपके पास डायरेक्शन है। आप किधर जा रहे हैं? या तो नॉर्थ जा रहे हैं, या साउथ जा रहे हैं, या नॉर्थ साउथ जा रहे हैं, या वेस्ट जा रहे हैं, या ईस्ट जा रहे हैं, किधर में किधर जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या था, आप पहले किसी और डायरेक्शन में थे, फिर कुछ टाइम के अकॉर्डिंग किसी और डायरेक्शन में चले गए, तो आपकी डायरेक्शन को फिक्स नहीं हुई, इसलिए हम कहते हैं इसके पास नो डायरेक्शन। लेकिन इसके पास क्या है? सेम डायरेक्शन है, ए से बी जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो हम ये कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास यहां से यहां तक जाने का नंबर्स है, मैग्नीट्यूड है, और प्लस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। ठीक है, हम कहें यहां से यहां तक की कितनी मीटर दूरी है? 5 मीटर दूरी है। तो 5 मीटर आपका क्या हुआ? 5 मीटर को आपका नंबर और डायरेक्शन कोई ए बी डायरेक्शन होगी, इस नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। इसके पास नंबर्स भी है, यानी मैग्नीट्यूड भी है ए बी के पास में, और प्लस डायरेक्शन में, किसी ना किसी डायरेक्शन में, वेस्ट ईस्ट किसी ना किसी डायरेक्शन में चलता होगा। तो हम ये कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट एसआई यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये क्या होती है? ये भी मीटर ही होती है। डिस्टेंस की भी एसआई यूनिट मीटर होती है, और डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट मीटर होती है। लेकिन इसमें फर्क कहां पास है? एक आपका वेक्टर क्वांटिटी क्या हो रही है, एक आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मान लेते हैं हम सपोज ए बॉडी ट्रबल फ्रॉम पॉइंट ए to be passing through O point। एक बॉडी A to B जा रही है, A से B जा रही है, लेकिन किधर से पास होती हुई जा रही है? O से पास होती हुई जा रही है। इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी कहें ए, एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये क्या है? बी है।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है आपके पास, ए बी है एक्चुअल पाथ लेंथ, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल पाथ लेंथ ये क्या है आपके पास, एओ प्लस ओबी, और इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ऑफ द वीडियो नोट डाउन। चलो बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या क्या डिफरेंस है ये बात करते हैं। तो एक तरफ हम डाल लेते हैं डिस्टेंस के बारे में, और एक तरफ डालते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या है पहला पॉइंट, एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, ये है डिस्टेंस। ठीक है, इसी का पहला पॉइंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या हम कहें पाथ लेंथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या तो कहें पाथ लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट की शॉर्टेज डिस्टेंस क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। दूसरा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा क्या है इसका, इट्स एसआई यूनिट, इज मीटर, इसको एम से नोट करते हैं। इसकी भी एसआई यूनिट क्या है, एग्जाम्पल दे देंगे आप केजी, स्पीड, तीसरा एग्जाम इसका एग्जाम्पल दे देंगे आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये आपके चार डिफरेंस हो चुके हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें और बाकी हम कल पढ़ेंगे।